हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और ऐसे में कुछ ठंडा ठंडा कुछ टेस्टी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो आज हम रूहअफ़ज़ा बनाने जा रहे हैं। रूहअफ़ज़ा बनाने के लिए हमें आधा गिलास चीनी चाहिए और चीनी में हम नॉर्मल पानी डाल के इसे आधे घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाए। रोज शरबत यानी रूहअफ़ज़ा, एक कप दूध, आइस क्यूब। आइस क्यूब की जगह आप ठंडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब जो हमने शुगर भिगो के रखी थी उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स होनी चाहिए शुगर। आधा घंटा भिगोने से शुगर जल्दी मिक्स हो जाती है। और ध्यान रखें कि पानी नॉर्मल हो, ठंडा नहीं हो, ठंडे में जल्दी से मिक्स नहीं होती है। हमने शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, आधा गिलास चीनी में ये एक जग पानी बहुत अच्छे से बन जाता है। अब हम इसमें आइस डालेंगे। आप इसमें चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हैं। हम इसमें रूहअफ़ज़ा डालेंगे। और ये दूध डालेंगे। दूध से एक तो कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल नीचे तक मिक्स करेंगे, कहीं हमारी रूहअफ़ज़ा नीचे ना रह जाए। हमारी रूहअफ़ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।